हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3rd एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एटम्स को खोजा था। एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने हमें बताया कि मैटर को जब आप स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप मैटर को उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसी पार्टिकल को उन्होंने परमाणु नाम दिया। इन्होंने बताया कि परमाणु एक ऐसा पार्टिकल है जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। महर्षि कनाद के बाद एक साइंटिस्ट और आए, पाकुदा कात्यायन। इन्होंने बताया कि ये परमाणु पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ कंबाइन फॉर्म में। ये एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनके बाद साइंटिस्ट आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। इन्होंने बताया कि इन पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देंगे जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते हैं। एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनके बाद 1808 में साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। और ये एटॉमिक थ्योरी कुछ लॉज पे बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशन और मास कंजर्वेशन एंड फिक्स रेशो पर। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। फर्स्ट है, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मेटल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम का नाम देते हैं। सेकेंड, एटम इज इंडिविजिबल विच कैन नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। एटम्स ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनको ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। थर्ड, इन्होंने बताया कि जितने भी एटम्स हैं उन सब की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस थ्योरी का फोर्थ पॉइंट था, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड इन पर्टिकुलर सच एटम्स हैव डिफरेंट मासेस। इन्होंने बताया कि केमिकल एलिमेंट्स के पास अलग अलग तरह के एटम्स होंगे और इन एटम्स का अलग अलग मास होगा। फिफ्थ पॉइंट, इन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट था, चेंज इन एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, डिसोसिएशन ऑफ एटम एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एटम। At the end of 19th century, it becomes clear by a series of various experiments there are some small particles in atoms. These small particles are known as subatomic particles. Atoms पर बहुत सारे experiment हुए और 19th century के end में हमें पता चला कि atoms में बहुत सारे small particles होते हैं जिनको subatomic particles कहा जाता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसमें मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विथ अ वैक्यूम पंप। इसमें एक वैक्यूम पंप भी कनेक्टेड होता है जिससे प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है और वैक्यूम को लाया जाता है। वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह की होती है। ये ग्लास से बनी हुई होती है और इसके दोनों एंड पर मेटल्स के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनको हम कैथोड और एनोड कहते हैं। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें इस तरह का वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है जिससे प्रेशर को डिक्रीज और इनक्रीज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब पर ही बेस है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जेजे थॉम्सन अप्लाइड हाई वोल्टेज ऑन मेटल इलेक्ट्रोड बाय जनरेटिंग हाई वैक्यूम इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ही ऑब्जर्व्ड ग्रीन फ्लोरोसेंस लाइट ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब। सर जेजे थॉम्सन ने जब डिस्चार्ज ट्यूब पर हाई वोल्टेज दिया और हाई वैक्यूम किया तो उनको एक ग्रीन लाइट ट्यूब पर दिखाई दी। थॉम्सन ने इन रेज को कैथोड रेज नाम दिया। उन्होंने बताया जब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब पर हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वे कैथोड से एनोड
की तरफ रेस के फॉर्म में निकलती है, इनको कैथोड रेस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करती हैं। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस और उनमें कुछ चमक होती है। दीज रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर सकता है। When these rays pass through any gas, they ionized it. जब भी ये किसी गैस के थ्रू पास होती हैं तो ये आयोनाइज्ड हो जाती हैं। रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर सिमिलर। एक्चुअली दीज आर मैटर रेज। इन रेज को मैटर रेज भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जे जे थॉम्सन कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं विच आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय थॉम्सन। और थॉम्सन ने इन्हीं को इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। और इन इलेक्ट्रॉन्स का मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1/1837। ही प्रूव्ड दैट एटम हैज़ वन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम्स। इन्होंने बताया कि एटम्स में नेगेटिव चार्ज्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको एटम से हटाया भी जा सकता है। और एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन 1886 गोल्डस्टीन यूज्ड परफोरेटेड कैथोड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एंड एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। थॉम्सन के बाद गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इसका प्रेशर लो किया और वोल्टेज को हाई करके देखा तो उन्होंने पाया कि इनमें से एक अलग तरह की रेज निकलती है और उन्होंने इन रेज को पॉजिटिव रेज नाम दिया। पॉजिटिव रेज का दूसरा नाम एनोड रेज भी होता है। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब पर प्रेशर को बहुत लो किया और वोल्टेज को बहुत हाई किया, तब उन्होंने पाया कि कुछ अलग तरह की रेज निकलती है जो रेड तरह से ग्लो करती है। इन्हीं लाइट्स को या इन्हीं रेज को उन्होंने पॉजिटिव रेज का नाम दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करती हैं। इट्स चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस फील्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। इनका रेशियो उस गैस पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है। दीज रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और ये रेज पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। दीज रेज आर ऑल्सो मैटर रेज। और इन रेज को भी मैटर रेज कहा जाता है। In 1999, these positively charged particles were identified as protons. और 1999 में इन्हीं positively charged particles को protons का नाम दिया। It was concluded that protons are also present along with electrons in an atom. और इससे ये बात प्रूफ हुई कि atoms में electrons भी होते हैं और protons भी होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, जिससे एटम का नेचर न्यूट्रल हो जाता है। बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर एंड हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज। इनके चार्ज अपोजिट होंगे लेकिन इनके नंबर सेम होंगे, हैंस एटम एज ए होल इज न्यूट्रियल। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 1837 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉम्सन। आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, जब ये कन्फर्म हो गया कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब थॉम्सन स्टेटेड इन 1898 दैट एन एटम इज अ स्फेयर, कि एटम एक स्फेयर होता है ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जिनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इनको मेजर किया जाता है 10^-10 मीटर। इट इज़ द साइज ऑफ एटम।
इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह रहते हैं जैसे कोई प्लम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स फंसे रहते हैं। ही कंपेयर दिस विथ अ स्वीट प्लम पुडिंग इन विच ड्राई फ्रूट्स आर एम्बेडेड हियर एंड देयर इन अ केक। जिस तरह केक या पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स फंसे हुए रहते हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहते हैं। उन्होंने वाटरमेलन के एग्जाम्पल से भी इसको समझाने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि जिस तरह वाटरमेलन में उसके सीड्स फंसे हुए रहते हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आफ्टर सम टाइम्स दिस मॉडल वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्लेन द एल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। इसे डिस्कार्डेड कर दिया गया क्योंकि यह अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड को समझा नहीं पाया। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से था। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उस सीड की तरह हैं जो वाटरमेलन में फंसे हुए हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और बाकी के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड की शीट ली जिस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड वॉज प्लेस्ड अराउंड द फॉइल। बाय हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू इन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक गोल्ड शीट ली और एक स्क्रीन ली जिस पर जिंक सल्फाइड का लेपन किया गया और इनसे अल्फा पार्टिकल्स गुजारे गए, तो इन्होंने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फ्लू से स्क्रीन तक चले गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराकर अपना एंगल चेंज कर लिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो वापस अपने ही पाथ पर आ गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री वाइल सम अदर वर डिफ्लेक्टेड एट 120 डिग्री। उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री पर घूम गए, कुछ 120 डिग्री पर घूम गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस बैक एंड रिटर्न बैक ऑन इट्स ऑन पाथ मेकिंग नियरली 180 डिग्री एंगल विथ इट्स ओरिजिनल पाथ। और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपने ही एंगल पर 180 डिग्री पर वापस लौट आए। ये अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स ही थे जिनको पास करवाया गया। द रिजल्ट ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। इससे रिजल्ट निकला कि एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है, खाली है। सेकंड इज ऑल पॉजिटिव चार्ज रिमेन कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला पार्ट है वो सेंटर में रहता है। द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। इन्होंने बताया कि एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम बहुत कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम्स का एक न्यूक्लियर मॉडल दिया जिसके कुछ मेन पॉइंट्स इस तरह है। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम एम्प्टी। एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। इन दिस एम्प्टी पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विथ हाई स्पीड। और इस खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और ये एक सर्कुलर पाथ में ही कंटिन्यू घूमते रहते हैं हाई स्पीड से। और इस सर्कुलर पाथ को उनकी ऑर्बिट या शेल कहते हैं। सेकंड बात उन्होंने बताई, द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम इन अ वेरी स्मॉल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10^-15 meters। द इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स काम करता है
इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो ये फोर्स जनरेट होता है और इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस्ड रहता है। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई, द टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इन्होंने बताया कि एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और इस कारण एटम का न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज कंसिडर्ड सोलर सिस्टम मॉडल। ये सोलर सिस्टम मॉडल से भी इसको समझा जा सकता है। इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे सन की ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में फुल स्पीड से चलते रहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ कमियां थी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इट ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को भी नहीं बता पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लीनियर नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इन्होंने हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लीनियर नेचर को भी नहीं बताया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1920 रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द एटम हैज सम न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑल्सो, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स देयर डिटेक्शन वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। इन 1930 सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन। 1930 में जेम्स चैडविक ने इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया और इनका मास प्रोटॉन के मास के ही सिमिलर होता है। नेक्स्ट है बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था हाइड्रोजन का। 1912 नील्स बोर प्रपोज्ड अ मॉडल बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उनका ये मॉडल क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल्स आर एज फॉलोज। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं और ये ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3 या KLMN इन शेल से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम जिसको MVR से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑर्बिट के h/2π के इक्वल होगा, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट बात इन्होंने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्व होती है, और अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ एटम्स। एटॉमिक रेडियस हम उस डिस्टेंस को कहते हैं जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की होती है। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। कोवलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस की हाफ होती है, मतलब न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ कोवलेंट रेडियस होती है। दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको कोवलेंट डिस्टेंस कहते हैं और कोवलेंट डिस्टेंस की हाफ कोवलेंट रेडियस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो ही एटम का एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मास नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम्स।
कोई भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। इस फॉर्मूले से हम तीन चीज़ें निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। A इज रिप्रेजेंट टू मास नंबर और एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसी वीडियो का रिवीजन करेंगे और इनके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।